तो स्टार्ट करते हैं गाइस फिर आज की सेशन के साथ। तो इस सेशन में गाइस हमारा फोकस कहाँ पर है, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम। सारी प्रॉब्लम्स आज की सेशन में मॉडर्न की हैं, ये कुछ हमारी ऑपरेटर से रिलेटेड है, कुछ हमारे एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है, और एक प्रॉब्लम हमारी बोहर मॉडल से है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर ये सब करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो आप फिर शुरू करते हैं इस सेशन के साथ वन बाय वन प्रॉब्लम्स को डील करना, राइट। तो देखो गाइस क्या सीन है, पहली प्रॉब्लम तो गाइस फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी स्क्रीन पर है। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, इफ ऑपरेटर ए इज डिफाइंड एज, हमारे पास यहाँ पर एक ऑपरेटर ए है, तब एक वेव फंक्शन के ऊपर ये ऑपरेट हुआ, तो मेरे को क्या मिला यहाँ पर, एन ए नॉट मिला। ठीक है, एन जहाँ पर क्या है, स्टेट ऑफ द फंक्शन, कौन सा स्टेट में है वो। ठीक है, तो एन बाहर मल्टीप्लाई में आ गया, साथ में ए नॉट समय कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है, साइन एन का क्या है, जहाँ पर 1 2 3 है, और साथ में गाइस यहाँ पर एक चीज और दे रखी है कि ये जो चीज है ना हमारी ऑर्थो नॉर्मल यहाँ पर मेंशन की गई है, क्योंकि डिराक डेल्टा के साथ इन डिनोट किया गया है यहाँ पर क्रोनिकल डेल्टा, राइट। क्रोनिकल डेल्टा के साथ ये यहाँ पर शो किया गया है, अगर एम और एन इक्वल होंगे तो ये 1 हो जाएगा, एम और एन डिफरेंट है तो अपने पास 0 हो जाएगा, तो क्रोनिकल डेल्टा की तरह यहाँ पर ये शो किया गया है। इफ ए इज मेजर्ड ऑन स्टेट साइन नोट, तो इस ऑपरेटर को इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया गया है यहाँ पर। ठीक है, बट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ए, तो हमें यहाँ पर बताना है कि एवरेज वैल्यू क्या होगी इस मेजरमेंट ए की, तब ये ऑपरेटर इस वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगा, तो यहाँ पर इसके हमारी एवरेज वैल्यू क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो देखो क्या कैसे होगा, ए साइन नोट करवाना है, साइन नोट जहां पर हमें क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। ठीक है, जहां पर अभी ये वाला जो फंक्शन है साइन नोट, ये नॉर्मलाइज नहीं, इसको नॉर्मलाइज बनाना पड़ेगा। तब ऐसे फंक्शन होते हैं नॉर्मलाइज कैसे बनाते हैं उसको, जो ये अपने पास कोफिशिएंट होते हैं इनका स्क्वायर करवा लो डायरेक्टली और ऐड करवा दो। ठीक है, 3 का स्क्वायर कराओगे 9 आएगा, तो अपने पास आ जाएगा 13। ठीक है, तो अब यहाँ पर जस्ट 1/√13 के साथ क्या करवा दो, इसको मल्टीप्लाई करवा दो, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर बाय में √13 डालो इसको नॉर्मलाइज बनाने के लिए, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, जो साइन नोट है ऐसे ही इक्वल टू 1 दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज करवाने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पर √13 के साथ इसको डिवाइड करवा लिया। ओके, तो ये अपने पास यहाँ पर आ चुका है नॉर्मलाइज, हम इसको यहाँ पर कर चुके हैं। तो गाइस हमेशा पहले ध्यान देना कि जो भी वेव फंक्शन तुम्हें दे रखा हो वो नॉर्मलाइज फॉर्म में होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज फॉर्म में होना जरूरी था, तो पहला काम हमने इसको नॉर्मलाइज में, क्योंकि आधे बताने के बाद अभी भी गलती करके आओगे कि इसको नॉर्मलाइज में नहीं करके आओगे, तो ध्यान देना सबसे पहला काम है नॉर्मलाइज करना, आगे की बात बाद की बात है। ठीक है, अब देखो आगे हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। अब यार तब भी हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे होते हैं, यानी कि तो हम क्या करते हैं, हम करते ये है, हम इंडिविजुअल के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे। ठीक है, साइवन के ऊपर ऑपरेट होगा, साइटो के ऊपर ऑपरेट होगा, साथ में उनकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। प्रोबेबिलिटी किसकी, कि साइवन स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कैसे निकाली जाती है, लेट्स से अगर मेरे को साइवन की निकालनी है, तो जो मेरा वेव फंक्शन है साइन नॉट उसके साथ ऐसे प्रोडक्ट की जाती है डायरेक्ट प्रोडक्ट, और उनका दे देता है प्रोबेबिलिटी दे देता है, राइट। तो अगर यहाँ पर इसको करवाओगे तो अपने को यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो अपने को मिलेगा इसका स्क्वायर भी होता है, सॉरी स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर में क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा, तो तब मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसके साथ। ठीक है, तब मैं इसको यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर डायरेक्टली काम कर सकते हो सीधा सीधा, जो पहले ही मैंने बताया कि जो अपना कोफिशियंट होता है सीधा उसको उठाओ, उसका सीवन स्क्वायर करवा दो, या तो वो करवा लो टाइम बचाना है, तो एक बार मैं कर देता हूँ, आगे जितनी भी जगह पर आएगा मैं डायरेक्टली सीवन स्क्वायर सी टू स्क्वायर डालूंगा। ठीक है, ये सीवन स्क्वायर के इक्वल आएगा। वैसे क्या होगा, देखो अपने पास साइवन क्या है, साइवन और साइन टू, और ये क्या है साइन नोट, साइन नोट अपने पास 2 साइवन इस तरह से, साथ में अपने पास 3 साइन 2 इस तरह से। ठीक है, और डिवाइड बाय √13 इस तरह से अपने पास ही। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लो इसके साथ जाएगा, तो कितना आएगा 2/√13 आएगा, है ना, √2/13 आएगा इस तरह से। ठीक है, साथ में तब ये साइवन इस साइन 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 दे देगा, तो यहाँ पर आएगा 0, तो ये अपने पास इस तरह से आ जाएगा ऐसे। तो अपने पास कितना आया 4/13 आया, और अगर डायरेक्टली तुम करते सीवन स्क्वायर ही आ रहा है, सीवन क्या होता है इसका जो कोफिशिएंट है, यानी कि 2/√13 का स्क्वायर, यानी कि 4/13, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे और ये कंप्लीट भी होता है करने का। ठीक है, ऐसे निकाली जाती है हमारी प्रोबेबिलिटीज, राइट। तो ये हमारे पास आई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी, साइवन स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी आई है अपने पास ये। ओके, ऐसे अगर साइटो निकालनी होगी मेरे को कि साइटो स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कैसे आएगी, वो साइटो करोगे और साथ में साइन नोट करोगे, या डायरेक्टली सीधा करो C2 का स्क्वायर करो। ठीक है, वो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सीधा।
बड़ी दिक्कत। लास्ट टाइम पे कुछ नया टेलीग्राम इंस्टॉल मार दिया है, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, लिंक सेंड करना है जस्ट। इतनी सी कैलकुलेशन बाकी की जो बच्ची एक ट्राई करो। ओके तो अभी आओ फिर आगे की बात करते हैं। आई होप की चीज क्लियर होगी यहां तक। अभी सी टू क्या होगा, यहां से उठा लो सीधा, थ्री है तो 3/13 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/√13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास आएगा 9/13, ठीक है। तो ये अपने पास है गाइस। ऑलवेज अगर ना पहले कभी कभी नॉर्मलाइज करना भूल जाते हो, तो अगर एक हैबिट ये भी बना लोगे ना कि C1² + C2² = 1 आ रहा है तुम्हारा, तो यहाँ से भी तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा नॉर्मलाइज है कि नहीं है। अगर अब तुम यहाँ पर करवा रहे हो दोनों को ऐड, क्या तुम्हारे पास ये 1 आ रहा है, जो कि आना चाहिए था। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है ना भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी ना तो 1 से कम होगी ना ज्यादा होगी, है ना। तो वो ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगी हमारी। तो अगर इक्वल टू 1 आ रही है तो तुम्हारा ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो तुम्हारा गलत है, ठीक है। तो ध्यान देना, ओके। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होगी हमारे पास यहाँ पर, राइट। तो ये हमारे पास हो चुकी है यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज इनकी। अभी निकालना क्या था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी, एवरेज वैल्यू, है ना। तो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे ऐसे C1² और फिर जो पहले वाले की ऑपरेशन के बाद आएगी A1, फिर अपने पास ऐसे ही C2² और फिर साथ में A2। तो अपने पास ये यहाँ से ऐसे आएगी, ठीक है। अब A1 A2 मैंने लिख तो दिया, उनकी वैल्यूज क्या है भाई, ये ऑपरेशन दे तो रखा है, इस ऑपरेशन का यूज करेंगे और लिख लेंगे। जैसे कि देखो, अब ऑपरेटर A लगेगा Psi1 के ऊपर ऐसे, ठीक है। तो वहां पर क्या लिखा था, n into a0, है ना। तो n into a0 आएगा इस तरह से, n into a0, ओके। साथ में अपने पास यहां पर क्या आएगा, Psi1 आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां पर क्या है, A1 की वैल्यू है ये वाली, ओके। तो ये अपने पास आ गई, तो इसको हम यहां पर डाल लेंगे, राइट। और ऐसे फिर हम निकालेंगे सेकंड वाले केस में भी, Psi2 ऐसे, और फिर यहां से आएगी na0 और साथ में आ जाएगी Psi2, राइट। तो इसको यहां पर डाल के निकाल लेंगे। या फिर हमारे पास एक दूसरा तरीका भी था, डायरेक्टली हम क्या कर सकते थे, ऐसे भी काम कर सकते थे हम, कि अपने पास जो Psi0 दे रखा है ऐसे, फिर ऑपरेटर A और Psi0 ऐसे, ठीक है। ऐसे भी ऑपरेट करवा के इसका आंसर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे, तब भी इसका आंसर यहाँ पर सेम ही आ रहा होता। ऐसे एक चीज के ऊपर ध्यान देना यहाँ पर प्लीज, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट यहाँ पर सेम है ऑपरेशन के बाद भी, तो इस वाले के साथ चले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर लेट से अपने पास वो सेम नहीं है ना, तो फिर इसके साथ जाना प्लीज, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ऑपरेशन ऐसा भी दे दिया जाए कि हमारे पास यहाँ पर स्टेट पलट जाए, ठीक है। तो फिर उस केस में इसके साथ जाना ज्यादा बेटर कॉल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ऑलवेज आंसर सी आएगा, इस वाले केस में भी आंसर सी आएगा, दूसरे वाले में भी आएगा, ठीक है, राइट। क्योंकि देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये स्टेट ही चेंज करवा दे रहा है इसके, ठीक है, मतलब डिपेंड करता है ना कि यार ऑपरेटर हमारा कैसा, क्या पता इसकी स्टेट ही बदल दे यहाँ पर, ठीक है, मतलब उसके आइगन स्टेट ना हो। यहाँ तो आइगन स्टेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आइगन स्टेट है तो ये वाला तरीका लगा सकते हो। लेकिन अगर आइगन स्टेट नहीं है, लेट से इस तरह से दे दिया गया तुम्हें कि ऑपरेटर ए है, Psi1 के ऊपर ऑपरेट हुआ और ये बन गया तुम्हारे पास 2 times of Psi2, इस तरह से बन गया लेट से, ठीक है। तो यहाँ पर था Psi1, इधर बन गया Psi2, तो ये पॉसिबल नहीं है ना भाई, ठीक है। तो अपने पास आइगन स्टेट नहीं है ना इसकी, है ना, ऑपरेशन तो है लेकिन आइगन स्टेट नहीं है, लेकिन इसकी अभी भी तुमसे एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी जा सकती है। तो उस केस में फिर इसके साथ जाओगे, ठीक है। अगर सेम है यहाँ पर और यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ जा सकते हो। लेकिन अगर ये ऐसे हुआ तो फिर ऐसे जाओगे, ठीक है। और इस तरह के बार जैम में क्वेश्चन आ चुका है, वैसे 2000 मैंने क्लास में करवा रखा हो पहले, ठीक है, इसलिए मैंने उसको दोबारा से नहीं लिया, लेकिन क्लास में मैंने डील किया हुआ है। उसको बिल्कुल सेम वैसे करोगे, यहाँ पर Psi0 की वैल्यू पुट करो। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को मैं इस वाले वैसे भी करवा देता हूँ, इससे तो तुम कंप्लीट कर ही लोगे, उसमें कुछ है नहीं, एनर्जी हमने बहुत निकाली होती है क्लास के अंदर, है ना। तो अभी हम यहाँ पर इससे सॉल्व कर लेते हैं कि अपने पास कैसे आएगा। देखो अपने पास Psi0 है, Psi0 की वैल्यू क्या है, अपने पास थी 2 थी ना पहले वाली की आगे, तो 2 था अपने पास पहले वाले में, 2 Psi1 ऐसे था, ठीक है, साथ में 3 times of Psi2 था, है ना, साथ में √13 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर A लगेगा साथ में, गाइस इसको उल्टा घुमा लो, क्या मतलब ये इस तरह से आएगा यहाँ पर, उठा लो ऐसे। अभी यहां पर आएगा तुम्हारे पास Psi1 2 times
रहेगा अपने पास 3 साई 2 और डिवाइड बाय 13, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखोगे तो सेम चीजें दिखाई देंगी, जो ये वाली फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म अपने आप से यहाँ पर तुम्हें बनती हुई दिखाई दी जाएगी। तो ये वाली फॉर्म है, ये अपने आप से तुम्हें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी जाएगी। लेकिन अगर लेट से दूसरे वाली ऑपरेशन होती, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा था, जो मैंने एरेज किया कि साई 1 से साई 2 स्टेट के अंदर चला जाएगा, तो तब ये वाला ऑपरेटर इसके ऊपर लगा तो साई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। फिर जो डॉट प्रोडक्ट है, जब तुम प्रोडक्ट कराओगे तो वो इसके साथ तो उसकी जीरो हो जाएगी, लेकिन इसके साथ उसकी नॉन जीरो हो जाएगी फिर, है ना। तो उसमें वहां पर वो फर्क आएगा, तो वहां पर फिर 3/13 और 2/13 का प्रोडक्ट होता। इसका प्रोडक्ट होता 3/13 और 2/13। तो प्लीज इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान देना कि एग्जैक्टली हमारा ऑपरेशन दे क्या रखा है, ठीक है। तो अगर आइगन स्टेट है तो डायरेक्टली लगा सकते हो, लेकिन अगर आइगन स्टेट नहीं है तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, ओके। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे जस्ट, राइट। तो करवा लो मल्टीप्लाई, पहले ऑपरेट करवा लो। ऑपरेट करवाने से क्या मिल रहा था, एन ए नोट मिल रहा था ना। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, एन 1 है तो 1 बाहर आ गया। वैसे यहाँ पर भी इसका 2 बाहर करना है इनकी जगह पर, तो 2 लिख लो यहाँ पर। ये यहाँ पर 2 है ना इनकी वैल्यू, तो 2 कर लो। ऐसे यहाँ पर इनकी वैल्यू इस वाले केस में क्या थी, 1 थी, तो यहाँ 1 कर लो। सेम वैसे यहाँ पर कर रहा हूँ, तभी इसके ऊपर ऑपरेट हुआ तो यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 ए नोट और साथ में 2 मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पर ओवरऑल 2 बचेगा, 2 ए नोट। फिर अपने पास यहाँ पर साई 1 का साई 1 रह जाएगा, प्लस में 3 और 2 यहाँ से आएगा, तो 6 ए नोट साथ में साई 2 अंडर रूट 13, ठीक है। और इधर की बात की जाए, इधर क्या है, एज इट इज का एज इट इज, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा लो तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से अपने पास ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करा लो, अपने पास बनेगा 4 प्लस में वहां से कितना आया अपने पास, अपने पास आ जाएगा 18, है ना, और डिवाइड बाय 13। तो ये अपने पास यहाँ से आ जाएगा इसका, ओके, ठीक है। तो यहाँ से देख लो अपने पास क्या रहा है, 22 डिवाइड बाय 13 आ रहा है, ओके। तो 22 डिवाइड बाय 13 ए नोट साथ में, तो ऑप्शन डी जो मेरा है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ए नोट भी था यहाँ पर साथ में, ए नोट लगा लो, ये वाला ए नोट जो इधर आया था ना, ए नोट, राइट। और अगर ऊपर डालते तब भी सेम ही आंसर मिल रहा होता, जैसे चेक करा के देख लो, सी 1 की वैल्यू आई थी 4/13, यहाँ पर आएगा अपने पास ए नोट जस्ट। इधर की बात करोगे, इधर आया 2 ए नोट और वैल्यू आई थी यहाँ पर कितनी, 6/13 कह रहा हूँ, अपने पास आई थी कितनी थी, 9/13, ठीक है। तो यहाँ पर आई थी 9/13, ओके। तो अपने पास यहाँ पर कितना बच जाएगा, 18 प्लस 4 22 डिवाइड बाई 13 ए नोट। तो चाहे ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो, इट डजंट मैटर, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। तो ध्यान ये रखना कि ये वाली स्टेट तभी लगा पाओगे तब आइगन स्टेट, लेकिन अगर आइगन स्टेट नहीं है तो फिर इस वाले वे से जाना ही पड़ेगा, बस इस चीज का ध्यान रख लेना। आइगन स्टेट में क्या बोला मैंने तुम्हें, जस्ट ये चीज ऐसे, अगर ये साई 1 से साई 1 में ही रहा है तो वो आइगन स्टेट है, तभी तो होती है ना भाई आइगन स्टेट होगी, तभी तो सेम ऑपरेटर मिलता है, मतलब सेम आइगन वेक्टर एज इट इज एज इट मिल जाता है। अगर आइगन स्टेट नहीं है तो यहाँ पर स्टेट और यहाँ पर स्टेट अलग अलग मिलेगी, ठीक है। ऐसे चेक करते थे ना क्लास में, पहले भी तो किया है ना, कि ये वाला ऑपरेटर इसका आइगन स्टेट है कि नहीं है, इस तरह से, है ना। तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है, राइट। नोट्स में जाकर देखोगे, एक तो BHU का क्वेश्चन किया था हमने, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और किया था, दो क्वेश्चन किए थे हमने आइगन स्टेट चेक करने के लिए, फुल कोर्स के अंदर, फाइव के अंदर नहीं, फुल कोर्स के अंदर, ठीक है, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है, ये हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन ऑपरेटर से, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये रहा हमारा, और इस टाइप का गाइस ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट नहीं था ये, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन एक बार नेट एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, और एक बार जैम के अंदर भी आ चुका है एनर्जी कैलकुलेशन का, और नेट एग्जाम भी आ चुका है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। सेम वेव फंक्शन, बस वहां पर एनर्जी निकाली थी, यहाँ पर एनर्जी का स्क्वायर है, जस्ट इतना फर्क है, ठीक है। तो आओ देखो इस क्वेश्चन में क्या है, द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ पर वेव फंक्शन हमारे इसके साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 1/√2 प्लस आयोटा साई 1। अब पता है आप दो को ना कंफ्यूजन कोर्स के टाइम पर नहीं आती, लेकिन ना एग्जाम के अंदर आयोटा देख के बड़ा घबरा जाता है कि आयोटा क्या आ गया यहाँ पर बीच में, आयोटा आ गया, दिक्कत नहीं लेनी इसकी, हमें यहाँ पर जिस कोएफिशिएंट का मोड लेना होता है, ठीक है। तो आयोटा का मोड भी अपने पास 1 ही होता है, ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन होते हैं, याद रखना कि प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर चीजों का मोड लिया जाता है। तो आयोटा भी हमारे पास यहाँ पर, तब आयोटा का स्क्वेयर करोगे तो वो माइनस वन नहीं देगा, वो प्लस वन देगा। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है यहाँ पर कि माइनस वन की प्लस वन, तो यहाँ पर क्या देगा, ये प्लस वन ही देगा, राइट। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, वेव फंक्शन दिखते ही उसको नॉर्मलाइज कर डालो, सबसे पहला काम तो यही करना है, वेव फंक्शन दिखा नॉर्मलाइज करवा दो। ये अपने को वेव फंक्शन दे रखा है, इसको नॉर्मलाइज करवाना है ना। इसका क्वेश्चन कितना है, वन बाय अंडर रूट टू, इसका कितना है, जस्ट आयोटा है। तो क्या करोगे, पहले का स्क्वायर किया यानी कि वन बाय टू प्लस में वन, और इसका अंडर रूट कर दो, कितना है अपने पास, अंडर रूट थ्री बाय टू आ गया ना। तो इसके साथ अब इसको क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो। तो अपने पास यहाँ पर इसकी जो नॉर्मलाइज फॉर्म है, जो अपने पास यहाँ पर नॉर्मलाइज फॉर्म है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी अपने पास यहाँ पर वन बाय अंडर रूट थ्री साइन नोट प्लस में टू टाइम्स ऑफ तो ये अपने पास यहाँ पर नॉर्मलाइज फॉर्म इसकी हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या, इसकी नॉर्मलाइज फॉर्म है, राइट। अब एक बार नॉर्मलाइज फॉर्म आ गई, अब इसके बाद ज्यादा दिक्कतें हमारे सामने नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जस्ट यहाँ पर निकालना है क्या, एच स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, क्या निकालनी है, एच स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो ई नोट ई वन क्या दे रखे हमें, साइन नोट और साइन वन स्टेट की एनर्जीज दे रखी है, और ये आइगन स्टेट है ही हमारा, है ना। तो क्या करूंगा मैं, सीधा सीधा मैं करूंगा यहाँ पर एच स्क्वेयर निकालूंगा, यानी कि एच स्क्वेयर हैमिल्टोनियन होता है, यानी कि एनर्जी का स्क्वेयर ही निकालना है जस्ट तुम्हें। यानी कि क्या करना है, सी वन स्क्वेयर, मतलब यहाँ पर नोट के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है पहले वाला, तो सी नोट लगा लो, सी नोट स्क्वेयर ई नोट स्क्वेयर प्लस में सी वन स्क्वेयर ई वन स्क्वेयर, जितने भी टर्म्स हो उतने समीशन यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। अगर एक और होता तो प्लस सी टू स्क्वेयर ई टू स्क्वेयर आ जाता। गाइस यहाँ पर इस स्क्वेयर क्यों आया एनर्जी के ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ हैमिल्टोनियन का स्क्वेयर निकालना है, इसलिए यहाँ पर ई नोट स्क्वेयर और ई वन स्क्वेयर है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी स्क्वेयर है, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन अपना क्या होता है, अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए निकालनी तो समीशन सी आई स्क्वेयर ए आई होता है ऐसे, ठीक है। ए आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं लैम्डा ए आई लिख दूं, ज्यादा बेटर है कहना, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो ये अपने पास यहाँ पर जस्ट होता है इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर जस्ट क्या है, ई स्क्वेयर था तो उसके कोरोस्पॉन्ड ई नोट स्क्वेयर और ई वन स्क्वेयर, अगर यहाँ पर एनर्जी होता जस्ट तो ई नोट और ई वन ऐसे, ठीक है। अभी अगला काम क्या है, यहाँ पर अगला काम है जस्ट प्रोबेबिलिटी उठाओ पीछे से, प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, यहाँ पर वन बाय रूट थ्री है तो यहाँ पर वन बाय थ्री आएगी जस्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी इसका स्क्वेयर होता है सी वन स्क्वेयर, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इसकी वन बाय थ्री है, इसकी टू बाय थ्री है, वन बाय थ्री टू बाय थ्री एड कराओगे टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू वन, क्रॉस चेक भी हो गया, ठीक है कि सही किया कि नहीं किया, राइट। साथ में ई नोट स्क्वेयर आ जाएगा प्लस में टू बाय थ्री ई नोट सॉरी ई वन स्क्वेयर। तो ये अपने पास यहाँ पर होगी जस्ट जो हमें निकालना था, दैट्स ऑल। ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, टिक लगा लेंगे आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो हमारे यहाँ पर परफेक्टली मैच हो जाएगा। एक काम करो फटाफट से, एक बार डेल्टा ई निकालना, डेल्टा ई क्या होगा निकालो एक बार जल्दी से, डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी वैल्यू, कुछ ज्यादा डर क्या जी, ये नहीं किया, दोनों तरीके से किया बस, और तो कुछ नहीं, दो तरीके होते हैं हमारे, दोनों का यूज किया मैंने, चेंज कुछ नहीं किया मैंने। हाँ तो भाई डेल्टा ही निकाल पा रहे हो, अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी वैल्यू, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, पिछले सालों से देख रहे होगे अनसर्टेनिटी के ऊपर क्वेश्चन निकल के आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि हमारा डेल्टा ई क्या है। तो क्या से निकालते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन होता था ना जस्ट अपना ये, यानी कि ई स्क्वायर का एवरेज माइनस में एवरेज ऑफ ई और इसका स्क्वायर अंडर रूट में ऐसे, जैसे यही तो होता है। अब जैसे किसी भी क्वांटिटी का पूछा जाए तुमसे, मोमेंटम पूछा जाए, पोजिशन पूछा जाए, जो पूछा जाए यहाँ पर पुट कराओ और निकालो उसको, है ना। तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, जस्ट वैल्यू डालो, ये तो निकाल ली हमने, कहाँ है इसकी वैल्यू, ये आई ना इधर से, सम नहीं करवाया मैंने अभी तक, सम करवाओ यार इस, अच्छा एज इट इज रहेगा, सॉरी माय बैड, वैल्यू पता हमें ई नॉट और ई वन, सॉरी,
ठीक है, तो यहाँ पे इसके एज इट इज वैल्यू पुट करा लो, तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, 1/3 आएगा, ई नॉट स्क्वायर आएगा इस तरह से, प्लस में 2e1 स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या है, ई स्क्वायर का एवरेज है, माइनस में क्या है, ई एवरेज है। तो पहले ई एवरेज निकालना पड़ेगा, आओ ई एवरेज निकाल लेते हैं। क्या करना पड़ेगा अभी, ई एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ई एवरेज निकाल लेते हैं इधर, देखो यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं ई एवरेज। तो ई एवरेज क्या होता है अपने पास, समीशन सी आई और ई आई, तो करवा दो यही काम। तो अपने पास यहाँ पर पहला क्या था, 1/3 था पहले वाले का, और एनर्जी थी ई नोट। दूसरे की बात की जाए तो क्या थी अपने पास, 2/3 थी, राइट, और साथ में क्या था, ई वन था। तो ये अपने पास जस्ट यहाँ पर एनर्जी होगी। अब यहाँ पर जस्ट क्या करवा लेंगे, इसके स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। तो माइनस में 1/3 ई नोट, प्लस में 2/3 ई वन, और इसका स्क्वेयर करवा लेंगे इस तरह से, और सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, और ये क्या आ जाएगा, डेल्टा ही आ जाएगा। ये ई स्क्वेयर का एवरेज है, ये एवरेज ई का स्क्वेयर है, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवा लो, आंसर निकाल लो, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या आएगा, मैं तो स्क्वेयर एक्सपेंड करवा लो यहाँ पर, ठीक है। तो अपने पास 1/3 ई नोट स्क्वेयर, काम करो ना, ये 3 को तो कॉमन ले लो ना, हर जगह है ना 3, ठीक है, बाहर निकाल लो इसको, ठीक है। अपने पास बचा अंडर रूट यहाँ पर, तो आएगा ई नोट स्क्वेयर, प्लस में 2e1 स्क्वेयर, माइनस में ई नोट स्क्वेयर रहेगा, माइनस में माइनस में 4/4 रहेगा, ठीक है, 4e1 स्क्वेयर ऐसे यहाँ पर जस्ट ई नोट स्क्वेयर ई वन स्क्वेयर, और साथ में अपने पास यहाँ पर क्या रहेगा, बीच में प्लस है, यहाँ पर बीच में प्लस है, तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, यहाँ पर ये माइनस का आएगा ना, ये भी, तो माइनस में आएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आएगा 4 times of e0 e1। इस तरह से हमारे पास ये टर्म निकल करके आएंगी, राइट। तो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, क्या कैंसिल आउट हो गई, अच्छा ठीक है भाई। तो ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या यहाँ पर, ये ओके गड़बड़ यहाँ पर हो गई। यहाँ पर एक चीज समझना, यहाँ पर एक 1/3 का फैक्टर एक्स्ट्रा भी तो है ना, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, इधर 3 का स्क्वायर नहीं था, लेकिन इसमें 3 का स्क्वायर है, ओके। तो यहाँ पर एक 1/3 का फैक्टर और भी आएगा, तो ये टर्म कटेंगे नहीं हमारी, इधर एक 1/3 का फैक्टर साथ में भी बचा है। जो मैंने यहाँ पर 3 कॉमन निकाला ना, इसके अंदर का तो 3 बाहर आ गया, यानी कि अंडर रूट 3 बाहर निकाला हमने यहाँ से जस्ट, ठीक है। यहाँ का एक जो 3 है वो भी पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। इधर देखो, ये इधर से अंडर रूट 3 बाहर निकलेगा, इधर से एक अंडर रूट 3 बाहर निकलेगा, एक अंडर रूट 3 अभी भी अंदर ही है, ओके। तो ऐसा किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये काम किया हम लोगों ने, ओके। तो 3 अभी भी मैंने अंदर छोड़ा है, यानी कि अंडर रूट 3 ओवरऑल अंदर है अभी भी, ओके। तो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने पहले कर दिया था ना मिस्टेक, मेरे को ऐसे पता चली क्योंकि नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव कभी आएगा नहीं है, पॉजिटिव ही आएगा ऑलवेज, ओके। तो अभी यहाँ पर देखो क्या सीन बनेगा, 2e0 स्क्वायर बनेगा, साथ में अपने पास यहाँ पर 6 आएगा, ये 2 है, तो यहाँ पर भी 2e1 स्क्वायर बनेगा इस तरह से, साथ में मेरे पास यहाँ पर 4e0 e1 है ऐसे, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर बना, राइट, और डिवाइड बाय 3 तो है ही कंप्लीट के नीचे, राइट। तो ये अपने पास गैस यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर कुछ कर नहीं पाओगे, जस्ट एक अंडर रूट 2 को बाहर निकाल सकते हो, इसके अलावा तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, और साथ में इसका होल स्क्वायर बना सकते हो, राइट। तो अपने पास यहाँ पर ई नोट माइनस ई वन आ जाएगा इस तरह से, ई नोट माइनस ई वन आ जाएगा इस तरह से, और इसका स्क्वायर का फिर अंडर रूट आ जाएगा, तो गायब हो जाएगा ओवरऑल। तो अपने पास यहाँ पर क्या बचेगा, जस्ट ये एक अंडर रूट 2/3 बचेगा इस तरह से, और 1/3 बच जाएगा ऐसे। तो ये अपने पास यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू निकल करके इसकी आ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ईवन बड़ा होगा तो ईवन को पहले लिख लो, ई नोट को बाद में लिख लो ऐसे, ठीक है। और सेफ साइड के लिए यहाँ पर वैसे मोड़ लगा दिया जाता है, अगर आएगा ना क्वेश्चन, फिर ये मोड़ लगा दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी डेल्टा ई हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये अपने पास है यहाँ पर, क्लियर है। अगर कहीं भी छोटी मोटी मिस्टेक तो मैंशन कर देना, मैंने भी यहाँ पर पहली बार सॉल्व किया अभी, ठीक है। आंसर नहीं पता मेरे माइंड में, ऐसे आया था कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी डिस्कस कर लेते हैं, तो आगे बस एक्सटेंड कर दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, डेल्टा ई का वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, दैट्स ऑल। तो जस्ट ई स्क्वायर का एवरेज निकाला, ई एवरेज का स्क्वायर निकाला, दोनों को सेपरेट करा दिया, उसका अंडर रूट ले लिया, दैट्स ऑल। यही होता हमारा वेरिएंस, और यही होती हमारी अनसर्टेनिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट।
स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारे पास क्या, हमारी अनसर्टेनिटी, राइट, वेरिएंस इज उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। नाइस देन, तो आओ फिर बढ़ते हैं आगे। आई होप कि यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर होंगी अच्छे से कि कैसी कौन सी चीज कैसे निकाल लिया, ठीक है। तो आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कैसे एक और ऑपरेटर से हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो क्या है, ऑपरेटर हमारे पास ये रहा एक इज इक्विवेलेंट टू, जो चार ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे और हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर हमारा करेक्ट है। काम करो एक बार कर लो, आधे लोग अभी भी गलती करेंगे, हालांकि मैंने पहले भी बताई ये चीजें, लेकिन स्टिल अभी भी आधे गलती करोगे, एक बार कर लो गलती, गलती याद रह जाएगी। का फैक्टर लिख दिया क्या मैंने कहीं? ओ ऐसे यहाँ पर नीचे अंडर रूट थ्री आएगा, तो इसको एक काम कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, अंडर टू ले लो डिवाइड बाय थ्री ले लो ऐसे, ठीक है। यहाँ पर नीचे अंडर रूट थ्री का फैक्टर था, ओके नाइस। अभी करो इसे, तो आप देखो गाइस क्या करना है, मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट्स जो गलती कर सकते हैं यहाँ पर, वो गलती ये है कि तुम डायरेक्टली ऑपरेटर की ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा के आंसर को टिक लगा सकते हो और तुम्हारा फिर आंसर ये आ जाएगा इसका, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा गलत, क्योंकि ऐसी गलतियों के साथ भी तुम्हें यहाँ पर ऑप्शंस फॉर श्योर एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ऑपरेटर का गाइस अलग से कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ऑपरेटर तभी होता है तब वो किसी स्टेट के ऊपर हमारा ऑपरेट हो रहा हो। तो अगर हमें एक ऑपरेटर की इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी होती है तो हमें वो एक वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवा कर करके निकालनी होती है, सिंप्लीफाई करके। सेम चीज मैंने कम्यूटेटर ब्रैकेट के टाइम पे भी बोली थी कि तब भी तुम कम्यूटेटर ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो उसको खाली अकेले को सोल्व नहीं करोगे, वो किसी चीज के ऊपर ऑपरेट होकर के सोल्व करवाई जाती है। ऐसे यहाँ पर ऑपरेटर्स के अंदर भी यही सेम काम होता है, ठीक है। तो इनकी अलग से नहीं होती, ये ऑपरेशन है, ठीक है, किसी चीज के ऊपर ऑपरेट होकर के वैल्यू देते हैं हमें, राइट। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, किसी चीज के ऊपर ऑपरेट करवा के तभी इनकी वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, डेल बाय डेल एक्स है, माइनस एक्स है, साथ में अपने पास क्या है यहाँ पर, डेल बाय डेल एक्स प्लस एक्स, और साथ में क्या ले लेंगे, साई ले लेंगे, साई के ऊपर इसको ऑपरेट करवाया जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा, डेल साई बाय डेल एक्स आएगा, प्लस में एक्स साई आएगा इस तरह से। तो ये अपने पास यहाँ पर बना है, अब इसके ऊपर ये ऑपरेट करवाओ, ये वाला ऑपरेटर, तो करवाओ ऑपरेट। तो पहले ये वाला करवाया इसके ऊपर, तो सेकंड डेरिवेटिव मिला इस तरह से ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये वाला इसके ऊपर गया, तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक बार आया साई, दूसरी बार आया अपने पास यहाँ पर एक्स डेल साई बाय डेल एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर ये माइनस एक्स इसके ऊपर ऑपरेट होगा, तो यहाँ पर आया माइनस एक्स डेल साई बाय डेल एक्स, तो ये वाली चीज इसके साथ कैंसिल आउट हो गई। अब ये जो एक्स है वो इसके साथ जाएगा, तो अपने पास यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में साई। अब यहाँ पर साई को बाहर निकाल लो, अपने पास आएगा सेकंड डेरिवेटिव, प्लस में यहाँ पर आइडेंटिटी बैठा है, माइनस में एक्स स्क्वायर है, और ये अपने पास यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन था ये वाला, वो इसके इक्वल आ चुका है। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, उसके ऊपर टिक लगा लोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, ये हमारा यहाँ पर एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दैट्स ऑल, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान से, गलती होने के चांसेस रह सकते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ऑपरेटर का सेंस तभी होता है तब किसी वेव फंक्शन के ऊपर उसको ऑपरेट करके उसकी वैल्यू निकाली जाए, ठीक है। तो ये वाला जो ऑपरेटर है वो इसके इक्विवेलेंट हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन सभी को यहाँ पर क्लियर होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ अ स्टेट, सॉरी
If state of a system at t time t equal to 0 is defined by psi is equal to this thing. If Hamiltonian H is defined as H psi n is equal to n e naught psi n, where n equal to this thing, after time t equal to this, ये हमारे पास यहाँ पर time है, the wave function becomes orthogonal. जो wave function है हमारे पास वो क्या बन चुका है? Orthogonal बन चुका है. तो अब हमसे यहाँ पर पूछी गई है value of alpha and beta. Alpha कहाँ पर हमारे पास? ये बैठा है यहाँ पर alpha और ये बैठा है यहाँ पर beta. तो यहाँ पर अल्फा और बीटा की हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है. ठीक है, ये वेव फंक्शन मेरे को दे रखा है. आफ्टर टाइम टी, जो टाइम यहाँ पर हमें गिवन है, इस टाइम के बाद ये क्या हो चुका हमारा? ऑर्थोगोनल हो चुका है. तो ऑर्थोगोनल होता है तो क्या होता है? जो हमारी डिराक प्रोडक्ट होगी, जो हमारी डिराक प्रोडक्ट होगी वो जीरो हो जाएगी. तो पहले इसका टाइम इवोल्यूशन करेंगे कि हमारे पास टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा होगा, और उसके बाद फिर हम इसको डिराक प्रोडक्ट में डाल देंगे और इक्वल टू जीरो कर देंगे. दैट्स इट. वहां से हमारे पास एक रिलेशन आएगा. ठीक है, और उस रिलेशन के अंदर से हम टाइम की वैल्यू को निकालेंगे. ठीक है, जो वहां से टाइम का एक्सप्रेशन आएगा उसको इसके साथ रिलेट करेंगे और फिर अल्फा और बीटा को आइडेंटिफाई कर लेंगे. ठीक है, तो बस यहाँ पर ये काम करना है हमें. क्लियर है? पहला काम क्या है? टाइम इवोल्यूशन. दूसरा काम क्या है? डिराक प्रोडक्ट को जीरो करना. तीसरा काम क्या है? कंपेयर करना. तो तीन स्टेप में हमारे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. ठीक है, तो आप फिर करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू. तो सबसे पहले इसका टाइम इवोल्यूशन. हमेशा गाइस एक चीज याद रखना कि अगर मेरे पास वेव फंक्शन है उसका अगर वो तुम्हारा सुपर पोज स्टेट में, जैसे यहाँ पर साई वन और साई थ्री की सुपर पोज स्टेट में, राइट, तो ये वाली स्टेट का अलग से सुपर टाइम इवोल्यूशन करोगे, इसका अलग से टाइम इवोल्यूशन करोगे. ठीक है, यानी किसके साथ में एक्सपोनेंशियल अलग से मल्टीप्लाई में होगा, इसके साथ में एक्सपोनेंशियल अलग से मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल में आयोटा एनर्जी टी बाय एच कट आता है वो इसकी एनर्जी आएगी साई वन स्टेट की, यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो साई थ्री स्टेट की आएगी. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही होंगी. राइट, तो ये हमारे पास यहाँ पर है. ठीक है, माइनस बीटा है वो कोस इनवर्स के अंदर. ठीक है, ओके, तो आओ भाई फिर करते हैं शुरू. देखो क्या करेंगे. देखो भाई आओ क्या करना है. सुपर टाइम इवोल्यूशन निकालना है हमें पहले, है ना. क्या नॉर्मलाइज है हमारे, फिर करके देखना एक बार. 1/5, 4/5 ऐड करवाया, 1 आ गया, ऑलरेडी नॉर्मलाइज है. पहला काम नॉर्मलाइज करना है, याद रखना हमेशा. ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी नॉर्मलाइज है, अच्छी बात है. हमेशा चेक करना चाहे आगे कॉन्स्टेंट लगे हो या ना लगे हो. याद नहीं बट TFR का क्वेश्चन क्या था हमने क्लास के अंदर, उसके आगे कॉन्स्टेंट लगे थे लेकिन स्टिल वो नॉर्मलाइज नहीं था, है ना. तो पहले एक बार हमेशा से चेक करना कि नॉर्मलाइज है कि नहीं है. ओके नाइस, तो अभी यहाँ पर देखो क्या करेंगे. 1/5 क्या कर रहा था मैं, टाइम इवोल्यूशन कर रहा हूँ ना, सॉरी. तो यहाँ पर अंडर रूट के साथ ही आएगा 1/5 का अंडर रूट, साथ में अपने पास यहाँ पर 5n होगा, साथ में टाइम इवोल्यूशन e, इसकी एनर्जी कितनी दे रखी है इन्होंने. तो गाइस यहाँ पर एनर्जी देखो n e नोट दे रखा है ना, राइट. तो अगर मैं पहले की बात करता हूँ तो e1 जो अपने पास वो क्या होगा, जस्ट अपने पास हो जाएगा 1 e नोट इस तरह से. ठीक है, ऐसे अगर मैं एनर्जी 2 की बात करता हूँ जो मेरे पास, सॉरी 3 दे रखा हुआ, तो थर्ड स्टेट है यहाँ पर, तो E3 जो अपने पास हो क्या हो जाएगा, 3 times of E note हो जाएगा. तो ये मेरे पास यहाँ पर एनर्जी की वैल्यूज है. ठीक है, E note है, दूसरी 3 E note है. तो यहाँ पर डाल लो E note, साथ में T divide by H cut. ऐसे जो दूसरा हमारे पास है वो उसका क्या आएगा, 4/5 आएगा अंडर रूट में, साथ में अपने पास यहाँ पर साई 3 रहेगा, यहाँ पर साई 1 था, राइट. इधर आएगा फिर एक्स आयोटा 3 E note T/H cut इस तरह से. तो ये अपने पास यहाँ पर टाइम इवोल्यूशन आ चुका है. ठीक है, यहाँ पर भी लिख लो जैसे साई ऑफ टी ऐसे. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर टाइम के साथ फॉर्म आ चुकी है हमारी. ठीक है, अभी क्या करना है, अभी जस्ट डिराक प्रोडक्ट को जीरो करना है. अपने पास जो वेव फंक्शन है और जो टाइम इवोल्यूशन, इसको क्या कर देंगे यहाँ पर जीरो करवा देंगे. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोला गया यार ऑर्थोगोनल है. क्या अपने पास ये ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल के केस में क्या होते हैं, डिराक प्रोडक्ट जीरो होती है. तो जस्ट प्रोडक्ट को जीरो करवाना है, दैट्स इट, अपना काम हो जाएगा. ठीक है, तो प्रोडक्ट को जीरो करवा लो, निकाल लो आंसर. तो आप देखो क्या होगा,
तो जस्ट गाइस यहां पर वैल्यूज को मैंने पुट करवाया, इसके अलावा मैंने कुछ और नहीं करवाया। जो मैंने पीछे यहां पर वैल्यूज लिखी थी, एक तो ये वेव फंक्शन जो गिवन था साई, और एक जो साई ऑफ टी है, जस्ट डिराक प्लॉट के अंदर ये वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट करवाई, इक्वल टू 0 किया। अब जस्ट क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो इस साई 1 को साई 1 के साथ कराओगे तो क्या देगा अपने को, ये आओ देखो क्या देगा अपने पास, ये देगा यहां पर 1/5 बाहर आ जाएगा ऐसे, ठीक है 1/5 बाहर आ जाएगा, और अपने पास यहां पर आएगा साई वन ये 1 दे देगा, और साथ में एक्सपोनेंशियल की टर्म आएगी इस तरह से ऐसे। तो यह अपने पास पहली टर्म, फिर अपने पास ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा करके, तो वो क्या होगा अपने पास यहाँ पर 0 होगा, है ना। तो साई 1 और साई 2 की प्रोडक्ट होगी ना, तो अपने पास क्या आएगा वहां से, वो 0 आएगा। तो नेक्स्ट टर्म अपने पास जो आएगी वो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगी, यानी कि 4/5 आएगा, साथ में अपने पास साई टू आएगा ऐसे, ठीक है ये 1 हो जाएगा अपने पास, और साथ में यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में रहेगा iota 3e0 t/h² इस तरह से, ठीक है। और इक्वल टू क्या होगा, ये 0 होगा, इक्वल टू क्या होगा, ये 0 होगा। तो 5 से 5 को काट लो, ठीक है 5 को 5 से काट लिया है, अभी क्या बचा, ये 1 है, इस वाले टर्म को इधर ले जाओ साथ में, ठीक है। तो अपने पास भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने पास ये उधर जाएगा तो जस्ट एक फैक्टर कट जाएगा ना, तो वहां पर जो 3 है उसकी जगह पर क्या बचेगा, जस्ट 2 बच जाएगा। तो अपने पास आएगा 1 = या मेरे को -1 कहना चाहिए, मेरे को -1 = 4 times ऑफ एक्सपोनेंशियल iota 2e0 और साथ में t/h², राइट। तो ये मेरे पास यहाँ पर कंडीशन आ चुकी है, मुझे क्या निकाला, टाइम की वैल्यू निकाल ली है, राइट। और फिर मेरे को अल्फा और बीटा वहां से फाइंड आउट करने, तो ये मेरे पास रिलेशन है, यहाँ से जस्ट क्या कर लो, टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। इस 4 को यहाँ से इधर ले आओगे, ठीक है, फिर अपने पास ये एक्सपोनेंशियल में बैठा है ना। तो काम करो, इसको चेंज करवा लो साइन और कोस की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करवा लो इसको, तो अपने पास यहाँ पर देखो क्या आएगा, अपने पास आएगा कोस आएगा, साथ में अपने पास आएगा यहाँ पर 2e0 t/h² इस तरह से, ठीक है, प्लस में आयोटा है, साथ में साइन आएगा। अब आयोटा की टर्म तो उधर है नहीं, आयोटा की तो टर्म उधर है नहीं, तो इसको तो 0 कर सकते हो सीधा। और एक अपने पास यहाँ पर ये आएगा कि रियल पार्ट को मैं रियल पार्ट के साथ कंपेयर करता हूँ, ये इधर का रियल पार्ट है, इधर का रियल पार्ट है, तो इक्वल होगा ना, ये उधर का रियल पार्ट और इधर का रियल पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा मेरा, राइट। तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने पास आएगा 2e0 / h² ऐसे, साथ में टी भी आएगा, इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/4 विद नेगेटिव साइन, कोस इनवर्स -1/4, क्योंकि भाई यहाँ पर -1/4 है ना, तो कोस इनवर्स -1/4 आएगा। अब यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अपने पास टी की वैल्यू आ जाएगी h cut by 2e0 साथ में अपने पास आएगा कोस इनवर्स -1/4, तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो ये मेरे पास वो टाइम आ चुका है, तब हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों की दोनों ऑर्थोगोनल हो जाएंगी, ठीक है। इस टाइम पर दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, हमारी ऑर्थोगोनल हो रही होंगी, ठीक है। तो ये अपने पास है यहाँ पर ऐसे, राइट, नाइस। अभी क्या करें, यहाँ पर जस्ट अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लें। तो एक बार अल्फा बीटा देख लो, क्वेश्चन में कहाँ पर गिवन थे, तो अल्फा गिवन था h cut by αe0, तो अल्फा तो ई नोट के सामने दे रखा था, और बीटा यहाँ पर कोस के अंदर दे रखा था। गाइस ये माइनस बीटा कंप्लीट, ये ऐसा ही है, ये भी कोस इनवर्स है ना, तो एंगल के ऊपर ऊपर जाएगा ना, तो जो एंगल अंदर वो कितना है, सॉरी एंगल नहीं होगा, ये वैल्यू होगी, यहाँ पर कोस इनवर्स और अंदर ये वैल्यू, ठीक है। तो जो कोस इनवर्स के अंदर वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर माइनस बीटा दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है, माइनस बीटा। तो यहाँ पर माइनस बीटा के साथ इसको कंपेयर करो, तो बीटा की वैल्यू आगी 1/4, तो बीटा आया 1/4, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू पुट करनी होगी तो 0.25 हो जाएगा ऐसे, राइट। अल्फा की बात करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर कंपेयर करोगे, ये रहा अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बाय कंपेयरिंग जस्ट अपने पास ये आ गया, ओके। ये था हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। वन बाय फोर होगा ना, वहां पर माइनस बीटा था ना, ये अपने पास यहाँ पर माइनस बीटा था ना इधर, ये तो इधर अपने पास यहाँ पर 1/4 आया था, -1/4 है ना, तो बीटा इक्वल टू 1/4 जाएगा, ओके। स्लाइड 12 सेकंड है, स्लाइड नंबर 12 के सेकंड से एक्सप्लेन। देखो जो सेकंड लाइन है, जिस मैंने यहाँ पर क्या किया है,
मैंने जस्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया, तो ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी पहले, फिर ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई वो तो ये रही, अब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो जीरो चली जाएगी। साइबल साइड टू अपने पास क्या है, नॉर्मलाइज मतलब ऑर्थो नॉर्मलाइज होते हैं ना, तो अपने पास वो जीरो देंगे है ना। फिर उसके बाद ये वाला इसके साथ होगा, फिर अगेन जीरो देगा, फिर ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ होगा है ना, तो अपने पास फिर वो ये हो जाएगा ऐसे। तो ये चीजें चल रही है यहाँ पर, क्लियर है? तो ऐसा ही ठीक है, ओके नाइस। थर्ड लाइन में इस एक्सपोनेंशियल को मैंने खोला है, जो अपने पास एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स होता है वो क्या होता है, अपने पास कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स होता है, यहाँ पर माइनस का था तो यहाँ पर माइनस आएगा फिर, ठीक है? तो इस तरह से अपने पास ये हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। फिर हमने यहाँ पर रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर किया और वहां से हमने टाइम की वैल्यू निकाली, इसके अलावा और कुछ नहीं किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से किया, ओके? कोस की वैल्यू यहाँ नेगेटिव नहीं होती है क्या? कोस की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होती है ना, ना? ओके, तो आप फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि शायद मैंने तुम्हारा कमेंट रीड किया, गलत किया है ना, कोस की वैल्यू वन से तुम शायद रिप्लाई कर रहे थे ऊपर, ओके नाइस देन। तो आओ भी मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, पार्टिकल है मास m का, ठीक है, पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल की फॉर्म क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज एन आइगन स्टेट ऑफ दिस थिंग। यहाँ पर एनर्जी भी हमें साथ में मेंशन कर रखी है, हमें पोटेंशियल दे रखा है, हमें एनर्जी दे रखी है, क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर जो आइगन फंक्शन होगा उसका नेचर क्या होगा, ठीक है? यहाँ पर जो हमारा आइगन फंक्शन आ रहा होगा उसका हमारा नेचर क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है, दैट्स ऑल। इतना हमारा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या क्या चीजें समझनी है, हमें यहाँ पर एक्स दे रखा है, हमें यहाँ पर वाई दे रखा है ना, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पर 2D हार्मोनिक पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, 2D हार्मोनिक है, पहली चीज तो ये हुई। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 4x स्क्वायर है, इधर जस्ट y स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हुई, क्या हुई, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हुई। तो गाइस सबसे पहले ऐसी चीजें लिख लिया करो अलग से ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए, यूं नहीं तो वही है कि रीड तो तुमने कर लिया लेकिन माइंड में वो सेम ही रह जाती है चीजें और फिर वो क्वेश्चन बेफालतू में गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो चीजें तुमने अलग ऑब्जर्व करी उसको लिख दो, यहाँ पर अलग है ना, जो हमारे ज्यादातर केसेस होते हैं उनमें फ्रीक्वेंसी सेम होती है लेकिन क्वेश्चन अलग के साथ भी तो आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर 4x square था, यहाँ पर अपने पास क्या था, y square था, तो हमारे पास यहाँ के जो frequencies वाली की वो क्या है, 2 times है, जो about x axis frequency हमारे पास क्या है, 2 times है, जो y के comparison में, तो मैंने ऐसे लिख दिया, हो गया पहला काम। अभी क्या करना है, एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है, एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, n प्लस हाफ, फिर h का ओमेगा x होगा, फिर n प्लस हाफ मतलब यहाँ पर nx और यहाँ पर ny डाल लो, साथ में h का ओमेगा y होगा, यही होगा। तो अब यहां पर वैल्यूज डाल लो ओमेगा की, एच कट ओमेगा एक्स वैल्यू कितनी है, 2 ओमेगा है, तो यहां पर 2 ओमेगा आ गया, प्लस में एन वाई प्लस हाफ, साथ में यहां पर क्या आ गया, एच कट ओमेगा आ गया ऐसे, दैट्स ऑल, ठीक है? अभी क्या करोगे, यहां पर एच कट ओमेगा को कॉमन ले लो, ठीक है, तो एच कट ओमेगा कॉमन रहेगा, बचा क्या, 2nx प्लस 1 प्लस ny प्लस हाफ। तो अपने पास यहां पर जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आया इस क्वेश्चन के लिए, जो इस क्वेश्चन के लिए अपना एनर्जी का एक्सप्रेशन आया वो क्या आया है, वो आया है 2nx प्लस में ny प्लस में 3/2 और साथ में h का ओमेगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आया है, एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल करके आया है, ठीक है? लेकिन तो एनर्जी आया है, निकालना क्या था, वेव फंक्शन निकालना है। तो वेव फंक्शन की तरफ कैसे बढ़ेंगे भाई, एनर्जी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, क्या दे रखी है, एनर्जी, एनर्जी दे रखी है 5/2 h का ओमेगा, क्या दे रखी है, 5/2 h का ओमेगा, है ना? हो सकता है इस तुम्हें यहाँ पर वेव फंक्शन भी दे दिया जाता और फिर एनर्जी निकालने के लिए बोल दिया जाता, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए जाते इसके अंदर फिल करने के लिए दे दिया जाता, उस टाइप के क्वेश्चन तो हमने किए। अभी यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, जस्ट हमें दे रखा है एनर्जी मेंशन कर रखी है, यहाँ पर हमें वेव फंक्शन बताना है, राइट? तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, जो एनर्जी है ना
उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर nx और ny की पॉसिबल वैल्यूज देखूंगा कि मेरे पास यहाँ पर क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है एनर्जी उधर के 5/2 h/ω, यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है मेरे को यहाँ पर nx 2nx प्लस ny प्लस 3/2 इसका जो समय हो मेरे को 5/2 बनाना है। तो ऐसे nx और ny के कॉम्बिनेशन देख लो कि अपने पास कौन कौन से होंगे। अगर मैं यहाँ पर nx को 0 पुट करा दूं और ny को 1 पुट करा दूं तो इसी से बन गया, वाह क्या बात है। तो nx ny की वैल्यू होगी 0 और 1। क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू तुम्हारे माइंड में आ रही है? बस यही हो सकती है ना, सोच लो कोई और सोच पा रहे हो क्या? यही है ना, तो आंसर इसी से आएगा, ठीक है। अगर हो सकता है कि MSQ में हो क्वेश्चन ये वाला, तो हो सकता है कि वहां पर डिजनरेट स्टेट दे रखी हो मैं, ठीक है। तो वहां पर दो वे फंक्शन पॉसिबल हो तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर अपने पास एक ही आया, कोई दूसरी nx और ny के ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे जहां से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। nx और ny का सिर्फ यहाँ पर एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है ऐसा, जिससे ये वाली वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2nx plus ny plus 3/2 is equal to क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। तब nx की वैल्यू 0 और ny की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 है, ठीक है। ये आया, अब वेव फंक्शन लिखना है। वेव फंक्शन में तुम्हें कहा था कि जस्ट फॉर्म एटलीस्ट माइंड में होनी चाहिए। अगर पूरा वेव फंक्शन नहीं है तुम्हारे माइंड में, एटलीस्ट अगर तुम्हारे मन में फॉर्म भी रहेगी ना, तो तुम्हारा काम चल जाए, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की वेव फॉर्म याद करो एक बार, क्या एक्सपोनेंशियल में एक्स स्क्वायर आता था? कॉन्स्टेंट भूल जाओ, आगे नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने वो क्या एक्सपोनेंशियल में एक्स स्क्वायर होता था, राइट। उसके बाद फर्स्ट एक्सेलरेटेड स्टेट की बात करो, क्या होता था वहां पर? हर्माइट पॉलीनोमियल आता था फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। और उस वो क्या होता था? जस्ट एक्स होता था, 2x होता था वैसे, ठीक है। तो वहां पर क्या आता था? जस्ट एक एक्स आता था। अगेन वो कॉन्स्टेंट से मतलब नहीं, मेरे को नेचर से मतलब है। तो आगे क्या आता था? एक्स आता था, राइट। तो यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा, जो भी मेरा आंसर होगा, यहाँ पर अगर मैं वन देखूं, वन कहाँ पर आ रहा है? वाई में आ रहा है, एन वाई। एक्स के ऊपर क्या है? जीरो है। तो यानी कि एक तो एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, विद नेगेटिव साइन भी होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साथ में एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर की टर्म होगी, और साथ में एक हर्माइट पॉलीनोमियल फर्स्ट ऑर्डर का मल्टीप्लाई होगा वाई डायरेक्शनल, यानी कि वहां से क्या आएगा? 2y, यानी कुल मिलाकर के वाई मल्टीप्लाई होगा। तो जिस भी ऑप्शन के अंदर वाई है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर है, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो जस्ट ऑप्शंस को देख लो, टिक लगा लो और आगे बढ़ो। तो इसमें वाई दे रखा है, पॉसिबिलिटी आंसर सही होने की बिल्कुल, ठीक है। तो देखो क्या होगा, पहले काम करो, पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, यहाँ पर एक्स दे रखा है, यहाँ पर एक्स वाई दे रखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। अपने पास सिर्फ वो हो सकते थे जहां पर आके वाई मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, क्योंकि एन वाई अपने पास यहाँ पर वन आया है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर y का ही आएगा अपने पास यहाँ पर बार, ओके। अब बचे मेरे पास ये दो ऑप्शन, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं देखूं तो यार इधर भी x स्क्वायर की टर्म आ रखी है, इधर भी y स्क्वायर की, x स्क्वायर की भी, y स्क्वायर की भी, तो अब फर्क कहाँ से आएगा? अब आएगा फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। जो आगे का जो कोएफिशिएंट होता था उसमें ओमेगा स्क्वायर भी तो होता था ना भाई, राइट, सॉरी जस्ट ओमेगा होता था, ठीक है, अल्फा स्क्वायर होता था, अल्फा स्क्वायर होता था, और अल्फा की वैल्यू होती थी तुम्हारी एम ओमेगा डिवाइड बाई 2h का अंडर रूट, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर होता था अल्फा स्क्वायर, एम ओमेगा डिवाइड बाय 2h कट, तो यहाँ पर तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर आता था सामने तुम्हारे, राइट। तो एम ओमेगा बाय 2h कट है, तो x डायरेक्शन में तुम्हारे पास 2x है, राइट, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसके आगे 2 आना ही था, तो अपने पास यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ज्यादा करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x के अलोंग हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी? अलग थी, ओमेगा, है ना। तो हमारी x डायरेक्शन में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी? डबल थी, तो इसलिए यहाँ पर 2x स्क्वायर आएगा, y के आगे यहाँ पर जस्ट 1 रह जाएगा, तो ये मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे मैंने यहाँ पर हर्माइट फंक्शन भी लगा रखे हैं, हालांकि मैंने क्लास में लिखवाए थे, अल्फाबैच के अंदर भी लिखवा दिए थे मैंने, ठीक है। हमारे पास जो जीरो ऑर्डर का होता है वो क्या होता है? 1 होता है, फर्स्ट ऑर्डर का 2x होता है, सेकंड ऑर्डर का 4x²-2, थर्ड ऑर्डर का मतलब इतने की नीड पड़ सकती है ज्यादा से ज्यादा, इससे आगे मत जाना, ये ना भी याद होंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट फॉर्म तो मैं पता होनी चाहिए। और ये भी कहा था मैंने पैरिटी कहाँ से आती है? हमारी यहीं से आती है पैरिटी, ठीक है। पैरिटी भी हमारी हर्माइट फंक्शन से ही आती है, ठीक है। जो हमारे इवन वाले हैं, इवन ऑर्डर वाले, वो क्या हमारे पास इवन पैरिटी के हैं। जो अपने पास ये ओड नंबर वाले हैं, एक्स एक्स क्यूब, राइट, वो क्या हमारे पास यहाँ पर ओड पैरिटी वाले हैं, राइट। तो हमारे पास ओड पैरिटी, इवन पैरिटी, और हाफ और मनी क्या होता था? जहां पर सिर्फ ओड पैरिटी वाले एग्जिस्ट करते थे, इवन पैरिटी वाले एब्सेंट होते थे। इसे रिकॉल होगी होंगे आए हो, ठीक है, क्योंकि हाफ और हाफ के ऊपर भी क्वेश्चन जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है गाइस यहाँ पर चीजें इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप कि जो क्वेश्चन है यहाँ तक सभी को समझ में आ गया हो अच्छे से।
इसलिए कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। आखिरी वाला रिपीट करिए, आखिरी वाला क्या रिपीट करना है लास्ट में एग्जैक्टली? ममता, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? देखो यहाँ पर अपने पास क्या है ना, जो यहाँ पर जो टर्म्स आती है अपने पास, ये अल्फा की टर्म आती है, ठीक है? अब अल्फा क्या होता है, एम ओमेगा टू एच कट होता है, तो तब तुम फंक्शन लिखोगे एक्स डायरेक्शन वाला। अपने पास जो वेव फंक्शन होते थे कैसे लिखे जाते थे, क्या बताया था मैंने, कि हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन का है और वाई डायरेक्शन का, ऐसे मल्टीप्लाई करके आते थे ना वेव फंक्शन, एनर्जीज एड होती थी और वेव फंक्शन मल्टीप्लाई होकर के आते थे, राइट? तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन लिखोगे, वाई डायरेक्शन लिखोगे, तो तब एक्स डायरेक्शन लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस एम ओमेगा डिवाइड बाई टू एच कट एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसे यहाँ पर ओमेगा एक्स आएगा, तो ओमेगा एक्स की यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे टू ओमेगा। ऐसे तब वाई डायरेक्शन लिखोगे तो वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, तुम्हारे पास वाई आएगा पहले, तो जो कि हर्माइट फंक्शन से आएगा, फिर तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल एम ओमेगा वाई डिवाइड बाई टू एच कट और साथ में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ओमेगा एक्स की वैल्यू को टू एक्स पुट करोगे, ओमेगा वाई को तुम ओमेगा पुट करोगे, और तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन जो वो इस तरह का बन जाएगा, माइनस एम ओमेगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइड बाई टू एच कट। तो ये चीज मैंने यहाँ पर कही है तुम्हें, ठीक है? इनफाइनाइट बॉक्स के किए थे ना हमने ऐसे वेव फंक्शन के मल्टीप्लाई करवा के कि हमारे पास रिजल्ट कैसा आएगा वेव फंक्शन का, तो बस यहाँ पर क्या है वो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए सेम चीज, ठीक है? जैसे हमने इनफाइनाइट बॉक्स के लिए किया था, सेम केस यहाँ पर क्या है तुम्हारा हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए, वैसे ही काम करना है, कुछ अलग नहीं किया। बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना कि हमारे पास यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी, तो यहाँ पर भी चीजें बदलेंगी, ठीक है? क्लियर है? नहीं, एक बार चेक करो दोबारा से, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी मोस्ट ऑफली, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है अल्फा स्क्वायर की वैल्यू होती है। नोट्स ओपन करवाओगे क्या मेरे से? कंफर्म कर लेना इसको, अगर इनकेस नहीं है जो मैंने पहले करवाया होगा वही होगा वो, ठीक है? अब यार थोड़ा सा ना चीजें वैसे भी हो जाती है ना कि तुम्हारा यहाँ पर क्या डिफाइन है, जो मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है इधर, ठीक है? इधर तुम्हारे पास जो जनरल फॉर्म है, तुम्हारे पास ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे होता है। अभी हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पर अल्फा डिफाइन कर दिया हो, ठीक है? या हो सकता है यहाँ पर अल्फा की पावर फोर डिफाइन कर दिया हो, तो अगर तुम कहीं और रेफर कर रहे हो मे बी, उसकी वजह से भी यहाँ पर वैल्यूज के अंदर चेंज आ सकता है, ठीक है? मैंने यहाँ पर जो अपने मन से अभी किया है वो अल्फा स्क्वायर के लिए किया है, एंड मेरे अकॉर्डिंगली से मोस्ट प्रोबेबली यही वैल्यू होती है उसकी, कि जो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू होती है एम ओमेगा डिवाइड बाई टू एच कट होती है, ठीक है? तो ये चीज़ है, तो मैंने ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंगली किया है, ठीक है? क्लियर है? तो डिफाइन डिपेंड करता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है अल्फा, हो सकता है तुम्हारे माइंड में चल रहा हो एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो फिर अपने पास वो नहीं होगा, राइट? कॉन्स्टेंट तो यार हमारे हाथ में ना, कि कैसे डिफाइन करना है कि अल्फा बोलना है कि अल्फा स्क्वायर बोलना है, वो तो कॉन्स्टेंट आ गया तो उसके, राइट? तो हमारे हाथ में, नाइस है। लेकिन जो भी याद रखो वो हर एक लिए करना, मतलब एक ही करना, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ और रिजल्ट्स भी हैं जो अल्फा के मतलब अल्फा के टर्म्स में निकलवाए थे, ठीक है? तो जो मैंने क्लास में नोट्स में कंप्लीट करवा रखा है उसी के साथ जाना, जो मैंने वहां पर अल्फा लिया था, ठीक है? अब इसको नया अल्फा वैल्यू मत याद करें ना, अगर इनके उससे अलग है तो, ठीक है? लेकिन शायद मेरे हिसाब से तो सेम मिलेगी, लेकिन अगर अलग है तो वही याद रखना जो मैंने क्लास में करवाई थी, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ रिजल्ट और अल्फा के टर्म्स में निकाले थे, तो फिर तुम कहोगे यहाँ पर मैंने अल्फा ये निकलवाया था और मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया वो वाला, ठीक है? फिर तो गड़बड़ होगा ना, तो दोनों सेम रखना, ठीक है? ओके नाइस है। तो आओ देखो करते हैं बात आगे की फिर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सियरा, तो देखो क्या है इसके अंदर, लेट साइवन एंड साइड टू डिनोट द नॉर्मलाइज आइगन स्टेट फॉर द पोटेंशियल, ओके? तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, तो वो वाला जो पोटेंशियल की बात हो रही है वो यहां पर डिफाइन कर रखा है, ऑफ अ पार्टिकल विद एनर्जी वैल्यूज ई1 एंड ई2 रेस्पेक्टिवली, वेयर ई2 इज ग्रेटर देन ई1, तो ई2 यहां पर ग्रेटर बोला गया ई1 के कंपैरिजन में, ठीक है? एट टी इक्वल टू जीरो द पार्टिकल इज प्रिपेयर्ड इन अ स्टेट दिस थिंग, तो हमें यहाँ पर स्टेट दे रखी है पार्टिकल की टी इक्वल टू जीरो के ऊपर, ये द शॉर्टेस्ट टाइम टी एट विच
वेव फंक्शन टी इक्वल टू कैपिटल टी विल बी ऑर्थोगोनल टू। तो गाइस जो टी इक्वल टू जीरो के ऊपर वेव फंक्शन था उससे कब वो ऑर्थोगोनल होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। और इन्होंने वैल्यू दे रखी है h कट pi डिवाइड बाय अल्फा है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज गिवन बाय। तो अब वैल्यू ऑफ अल्फा हमारे पास यहाँ पर क्या होगी वो हमें यहाँ पर बतानी है, और वो भी इन यूनिट्स ऑफ दिस थिंग पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2ms स्क्वायर की यूनिट्स में हमें बताना है कि हमारे पास यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर टाइम जस्ट हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी ऑर्थोगोनल हो जाएगी। तो गाइस अगेन वही सेम काम है, कुछ अलग काम नहीं है इसका। यहाँ पर क्या करवाना है टाइम इवोल्यूशन, ग्राफ पुट करा लोगे इक्वल टू जीरो और वहां से टाइम निकालोगे एंड दैट्स इट, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बस यही काम करवाना है और कुछ काम नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप फिर देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अपने पास यहाँ पर तो क्या रखा है तो यहाँ के अपने पास अब शॉर्टेस्ट टाइम निकालना है जस्ट हमें, है ना, ऑर्थोगोनल की बात करनी है तो मतलब टाइम इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं, है ना। तो आफ्टर टाइम टी अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 1 बाय रूट 2 ऑलरेडी नॉर्मलाइज है, यहाँ पर आएगा साइवन साथ में एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा इवन टी बाय एच कट ऐसे। फिर अपने पास सेकेंड वाले का आएगा साई टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टू टी बाय एच कट ऐसे। तो ये अपने पास यहाँ पर आ चुका है क्या साई ऑफ टी। ठीक है, साई ऑफ टी आ गया, अभी क्या करना है जस्ट ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो इनकी डॉट पुट करा दो जीरो, तो अपने पास देखो क्या आएगा भाई हाफ आएगा 1/2 मल्टीप्लाई कराया जस्ट। ठीक है, साथ में आएगा अपने पास साइवन आ गया, साथ में अपने पास आएगा साइवन साइवन इवन हो जाएगा, इसको चाहे सटा लो। ठीक है, साथ में अपने पास आएगा यहाँ पर साई टू ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा इसका। ठीक है, अभी क्या करना है हमें ऑर्थोगोनल करना था, तो इक्वल टू जीरो तो मैंने कर ही दिया इसको, है ना, तो बस यहाँ पर टाइम पीरियड निकाल लो जिससे अपने पास हो रहा है दैट्स इट, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत देखो करते हैं, तो अपने पास क्या आएगा क्या करो पहले तो यहाँ पर कॉमन पार्ट जो है ना एक कॉमन बाहर निकाल लो। ठीक है, ऐसे बाहर निकाले मैंने, अपने पास बचेगा वन और तब माइनस वाली टर्म बाहर निकालूंगा तो एक प्लस वाली बचेगी ना यहाँ पर, है ना, तो प्लस वाली बचेगी तो माइनस साइन उसके अंदर से कॉमन लूंगा तो ई टू माइनस ई वन आएगा इस तरह से। तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा ये रिजल्ट। ठीक है, अभी क्या करोगे ये जो टर्म है ना ये जो टर्म बैठी है ये वाली ये जो टर्म बैठी है ना, तो अब इसको सोल्व करा लो जस्ट। तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा एक्सपोनेंशियल आएगा माइनस आयोटा आएगा ई टू माइनस ई वन आएगा टी बाई एच कट आएगा इस तरह से इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वन ऐसे। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा और अपने पास यहाँ पर अभी क्या करना है जस्ट जैसे हमने पहले भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था सेम वैसे यहाँ पर करवा लेंगे। ठीक है, या तो वो कर सकते हो कि इसको साइन कोस में तोड़ लो एक्सपोनेंशियल वाले को साइन कोस में लिख लो, या फिर डायरेक्टली एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर तो हम ये काम भी करवा सकते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस आई पाई बाई टू। ठीक है, इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, तो अब इसको यहाँ पर रिलेट कर लो डायरेक्टली, तो ई टू माइनस ई वन आ जाएगा। ठीक है, टी बाई एच कट आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई टू आ जाएगा ऐसे, राइट ओके। तो अपने पास यहाँ पर जो टाइम है वो क्या आ गया टू पाई एच कट आ गया डिवाइड बाई टू आ गया साथ में ई टू माइनस ई वन आ गया। तो ये तो आ गया मेरे पास यहाँ पर टाइम, जिस टाइम के बाद क्या हो जाएंगे ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ठीक है, और एक बार गैस तुम्हारा नेट एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ रखा था यही, उसमें बस यही तक आंसर था। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन में प्रेजेंट था, मे बी जेस्ट का भी हो सकता है, जेस्ट या फिर नेट में क्वेश्चन था इसी तरह का। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर था टाइम की वैल्यू, जब ये हमारे पास क्या हो जाएंगे ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, राइट। लेकिन अभी हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ और निकालने के लिए बोला गया, क्या निकालने के लिए बोला गया आओ उसको देखते हैं। अभी यहाँ पर ई1 और ई2 में क्या दे रखे थे, हमें दे रखे थे एनर्जी वैल्यूज। ठीक है, इस पोटेंशियल के अंदर कैसा पोटेंशियल है, इस बीच में जीरो है और बाहर क्या है इन्फिनिटी बैठा है, यानी कि क्या दे रखा है हमें 1D बॉक्स से रखा है, इनफाइनाइट 1D बॉक्स।
तो अब e1 e2 निकाल लो इन्फिनिट 1d बॉक्स की और वहां पर वैल्यू को पुट करा लो, क्योंकि भाई हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालनी थी वो भी इसकी यूनिट्स में, ठीक है। तो वहां पर एनर्जी की यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी e2 और e1 की। तो e1 जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, अगर एनर्जी की बात की जाए वहां पर क्या होती थी, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2ma स्क्वायर, यही होता था। तो e1 की बात करोगे तो एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2ma स्क्वायर आएगा। e2 की बात करोगे तो अपने पास क्या आएगा, e2 आएगा 4h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2ma स्क्वायर। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या है, e1 एंड e2 है ऐसे, ठीक है। अब e1 e2 को मैं यहाँ पर पुट करवा लूंगा और अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा, पाई एच कट बनेगा डिवाइड बाई 2 बनेगा, साथ में अपने पास यहाँ पर 4 माइनस दिस थिंग कराओगे तो अपने पास यहाँ पर बनेगा 3h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2ma स्क्वायर ऐसे, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर बनेगा टाइम ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के साथ 2 को काट लो, एच कट से एच कट को काट लो, लेकिन एक मिनट पहले ऑप्शन देख लो कि क्या दे रखा था तुम्हें, तुम्हें किसकी यूनिट में बात करनी थी, तुम्हें वहाँ पर चाहिए एच कट पाई चाहिए ऊपर और अल्फा में पूरा ये चाहिए, ठीक है। तो काटने की नीड नहीं है इसको, ठीक है। तो इसको रहन दो, मतलब एच कट को मत काटो, ठीक है। तो यूनिट मेरे को यही चाहिए, एच कट स्क्वायर डिवाइड पाई स्क्वायर डिवाइड 2ma स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 2 और ये 3, ठीक है। 2 को 2 से भी मत काटो क्योंकि हमें यहाँ पर 2 चाहिए, इसकी यूनिट से बताना था हमें, राइट। तो अल्फा की जो वैल्यू अपने पास वो क्या आएगी, 6 आएगी, ठीक है, इन यूनिट्स ऑफ एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2ma स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जस्ट इस 2 को मल्टीप्लाई किया है और इस 3 को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। बाकी एज इट इज सो में जो हमें क्वेश्चन में बोल रखी थी, तो बस जैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली चलते जाओ, आंसर निकालते जाओ, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल, क्लियर, कोई दिक्कत, सब बढ़िया। ओके नाइस, माइनस 1 पाई यहाँ पर तुम्हारे पास, एक मिनट रुको, क्या किया मैंने, माइनस 1, सॉरी गाइस माय बैड, मैंने सॉरी ठीक है, सही गाइस मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर ये पाई बाय 2 नहीं आएगा जिससे पाई आएगा, सॉरी माय बैड, मिस्टेक हो गई। 2 को उठा दो गाइस हर जगह से, इस 2 को गायब कर दो तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी बचेगी, 3 बचेगी, नाइस। गाइस अपने पास यहाँ पर कोस पाई माइनस आयोटा साइन पाई, ठीक है, साइन पाई 0 हो जाएगा, कोस पाई माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 1 बचेगा, रियल था ना अपने पास ये, मेरे माइंड में पता नहीं आयोटा का कहाँ से, चलो ठीक है, जो भी हो गया गलती हो गई। तो यहाँ पर ई की पावर माइनस आयोटा पाई आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अल्फा इक्वल टू 3 आंसर होगा इसका, ठीक है, ये अपने पास है। तो आई होप कि जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर वो सभी को क्लियर होगा, दिक्कत इसमें अब रही नहीं होगी, ठीक है। तो आप फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई हमें क्या गिवन है, तो वैसे बोर मॉडल का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन n1 से n2 वेयर n1 एंड n2 आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑफ द टू स्टेट, अज्यूम बोर मॉडल टू बी वैलिड, द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स दैट इन द फाइनल स्टेट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो टाइम पड़े इनिशियल स्टेट है वो 8 गुना है जो कि उसकी फाइनल स्टेट में होगा उससे। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2 पूछी जा रही है, 4 ऑप्शन में यहाँ पर गिवन है और हमें बताना कि यहाँ पर हमारा कौन सी पॉसिबल वैल्यू है n1 एंड n2 की, कि हमारे पास जो यहाँ पर टाइम का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या आ रहा हो, 8 आ रहा हो, ठीक है। तो करो गाइस इस क्वेश्चन में ट्राई एक बार, सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहाँ से निकालेंगे, ये करो, टेम्परेचर का फॉर्मूला क्लास के अंदर डिराइव किया था हम लोगों ने।
अगेन गाइस जस्ट डिपेंडेंसी, हमें यहाँ पर एग्जैक्ट रिजल्ट की नीड नहीं है, अगर डिपेंडेंसी पता है तो भी क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा भाई मैं बाउंड स्टेट का क्वेश्चन, ठीक है। एक मेरे को उसका तुम्हें मिक्सिंग वाला का बचा है तुम्हारा स्पेसिफिक हीट का, ठीक है, एक वो बचा है, एक फिर तुम्हारा सुपर पोस्ट का, एक ईएमवे का भी क्वेश्चन मेरे को बचा है, और एक लोकनाथ के 3-4 क्वेश्चन है वे बचे हैं, एक तुमने बोला बाउंड स्टेट का टाइप और भी है वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे को कैसे होगा, तो ऐसे को सीधा मैं कर रहा हूँ कि हमारे पास जो टाइम पीरियड था ना, टाइम पीरियड की जो डिपेंडेंस आई थी एन के ऊपर है कि कौन से शेल के अंदर है, उसकी जो डिपेंडेंस आई थी वो क्यूब के ऊपर आई थी ऐसे, ठीक है। तो अपने पास क्या आई थी, वो क्यूब के ऊपर आई थी सीधा, तो क्यूब के ऊपर आई थी तो हम डायरेक्टली उसको ऐसे सोल्व करवा लेंगे एंड दैट्स इट, ठीक है। वैसे डिपेंडेंस सारों की याद होनी चाहिए, जैसे कि अगर उसकी बात की जाए रेडियस की, जो रेडियस की थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर थी, ठीक है। वेलोसिटी की बात की जाए तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन थी। सारे रिजल्ट्स हमने क्लास के अंदर डिराइव किए, अल्फा के अंदर ही फटाफट से मैंने सारे रिजल्ट डिराइव करवा दिए थे कि निकालने कैसे हैं। अगर टाइम पीरियड का वहां पर नहीं करवाया था, आर का और वी का तो करवाया था, टाइम पीरियड का मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने अल्फा के अंदर करवाया था कि नहीं करवाया था, लेकिन ये मैंने दोनों करवाए थे तो ये मेरे को याद आ रहे हैं, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है अपॉन वेलोसिटी करवा लोगे, तो बस यहाँ से रिलेशन निकाल लोगे, ठीक है, तो बस ये काम कर लोगे, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये अपने पास क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास वो एन क्यूब की डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या करो, जस्ट निकाल लो, राइट। तो अपने पास यहाँ पर जो दे रखा है वो कैसा दे रखा है कि अपने पास यहाँ पर अज्यूम द बोर मॉडल टू बी वैलिड, द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स एट द फाइनल स्टेट। तो उसकी जो इनिशियल स्टेट है, ठीक है, उसके अंदर क्या दे रखा है, 8 गुना दे रखा है, मतलब कि बेसिकली T1 बाई T2 जो है वो 8 टाइम्स दे रखा है ऐसे, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर N1 बाई N2 की पावर 3 ऐसे। तो अपने पास यहाँ पर जो N1 बाई N2 की जो रेशियो है वो ट्वाइस होनी चाहिए। तो जिसके अंदर भी ये चीज हमारी फॉलो हो रही है वो ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर ये चीज फॉलो नहीं हो रही है वो मेरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देख लो N1 बाई N2, तो अपने पास पहले वाले में फॉलो हो रही है करेक्ट है, इसमें फॉलो नहीं हो रही इनकरेक्ट है, इसके अंदर फॉलो नहीं हो रही इनकरेक्ट है, इसके अंदर फॉलो हो रही है करेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट है, ए और डी। ये एमएसक्यू क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ए और डी ऑप्शन क्या है हमारे यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो N1 बाई N2 है ये अपने को क्या मिल रहा है, इधर से 2 मिल रहा है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसके आंसर है, दैट्स ऑल, ठीक है। नाइस, ओके। तो वैसे फिर सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट सेशन हमारा कब है शेड्यूल में तुम देख सकते हो, और न्यूक्लियर का मैं बता दूंगी हमारी नेक्स्ट क्लास कब हो रही, ठीक है। शेड्यूल मैंने बाकी तुम्हें शेयर कर ही रखा कि हमारी कौन कौन सी क्लासेस और होनी है, 4 क्लासेस हमारे प्रोग्राम्स की और होती हैं, 2 मैंने वो शेड्यूल कर रखी है, ठीक है। अगर नीड पड़ेगी तो एक और अगर तुम कहोगे कि एग्जाम से एक दिन पहले तो कर लेंगे, नहीं तो मैं तो कहूँगा कि बस उस दिन फॉर्मूलाज देखना, वो बहुत है, ठीक है। पूरे साल भर मेहनत की, एक दिन में कुछ वो अलग से इफेक्ट नहीं आना, उस टाइम पे जितने फॉर्मूले से तुम निकल रहे हो उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लास्ट टाइम होता है सेल्फ के लिए, जितना सेल्फ करोगे उतना बढ़िया है, ठीक है। जितने क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है।